स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो वर्ल्ड में। तो जैसा कि ये मेरा YouTube चैनल है, तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है इसका लोगो लगाना इन्फो वर्ल्ड। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरा चैनल है इन्फो वर्ल्ड, 1 सब्सक्राइबर अभी फिलहाल। तो इसमें जो मैं लोगो लगाऊंगा, मैं इसको लोगो कैसे लगाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे कुछ वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। इन्फो वर्ल्ड बनाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो के नीचे। तो देखिए, इस चैनल में मेरा लोगो नहीं है, तो मैं एक बेकार सा लोगो बनाया हुआ हूँ, काम करा हुआ, बाद में उसको लोगो लगा दूंगा। देखिए उसने सिंपली लोगो बनाया है, ये लोगो बना के रखा है और इसको लगाना है मुझे यूट्यूब के चैनल में। लेकिन इसको लगाने के लिए मुझे पहले इसका साइज मेज़र करना होगा कि इसका साइज कितना है। तो सबसे पहले इसको साइज मेंटेन करने के लिए मैं इसे पेंट में खोलूँगा। पेंट इजी है, इजी सॉफ्टवेयर है, आराम से हो जाएगा। री साइज में जाएंगे, पिक्सल्स में जाएंगे, मेंटेनेंस एस्पेक्ट रेशियो को हटा लेंगे और यूट्यूब के लोगों का जो साइज होता है हमेशा 800x800 होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। ओके कर देंगे, सेव कर देंगे और मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैंने पहले से रीनेम करके रखा हुआ है, ये कुछ कट कर देता हूँ। अब फिर मैं चैनल पे आ गया हूँ और इसे अब मैं सेट करूँगा। अब इसे सेट कैसे करूँगा, सिंपली मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे चैनल के राइट हैंड साइड में मेरा छोटा सा है सिंबल है लोगो का, तो क्लिक करूँगा तो इस पर यहाँ आ जाएगा मेरे चैनल का नाम और मेरा ईमेल आएगा। इस पर मैं सबसे पहले जाऊँगा सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे एडिट ऑन गूगल, एडिट ऑन गूगल पे क्लिक करेंगे, एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज आते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मुझे नाम चेंज करने के लिए भी है, चेंजिंग योर नेम एंड गूगल प्रोडक्ट। यहाँ से मैं फोटो चेंज करूँगा और यहाँ मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। और मैंने जहाँ से सेव करके रखा है वहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। ये रहा वो पिक्चर, ओपन कर दूंगा और ये बस कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए पूरा साइज आ गया इसमें और इसे डन कर देंगे। ये सेट हो गया है, नाम वही है। इसके बाद मैं इसे देख सकते हैं, इसके बाद मैं वापस चैनल पे जाऊंगा, क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करूंगा और चेक करूंगा कि मेरा चेंज हुआ कि नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा लोगो चेंज हो चुका है। अगर मैं व्यू चैनल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिखाता है कि मेरा लोगो चेंज हो गया है, देख सकते हैं। मैंने जो लोगो बनाया है और मैंने जो सेट किया उसको लोगो को, वो सेट हो चुका है। तो थैंक्स गाइस, आप मेरे चैनल पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और भी फालतू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो, थैंक यू।